की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए फल लाने जा रही हूँ, आप घर के अंदर ही रहिए। मामा, मुझे तो उड़ना आता है, मैं मेरे लिए फल ले आऊँगा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। नहीं मुन्ना, अगर तुम मेरे साथ चले आओगे तो यहाँ पर मुन्नी अकेली पड़ जाएगी। देखो मुन्नी को, वो कितनी छोटी है, इसीलिए तुम मुन्नी के साथ रहो। मम्मा, मुझे भी उड़ना आता है, देखिए मुझे, मैं भी उड़ सकती हूँ। मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, आपके साथ मैं भी चलूँगी भोजन लाने। मैं जानती हूँ मुन्नी कि तुम उड़ सकती हो, फिर भी तुम बहुत छोटी हो मुन्नी, इसीलिए तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं जाकर तुम दोनों के लिए भोजन लाती हूँ। और हाँ, शैतानी तो तुम दोनों मत ही करना। और हाँ मुन्ना, अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं यूँ गई और यूँ आई। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। अगर तुम ठीक से उड़ सकती तो शायद मम्मा हम दोनों को ले जाती फल लाने के लिए। भैया, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं उड़ नहीं सकती? देखिए, मैं आपको अभी उड़कर दिखाती हूँ। फिर मुन्नी घर पर ही उड़ने लगती है। मुन्नी को उड़ते देख मुन्ना भी मुन्नी के पीछे उड़ने लग जाता है। देखो मुन्नी, मैं तुमसे भी तेज उड़ सकता हूँ, आपसे भी ज्यादा तेज उड़ सकती हूँ मैं भैया। फिर मुन्ना मुन्नी को गिरा देता है। भैया, आपने मुझे धक्का दे दिया। आप मुझसे चलते हैं। जब मम्मा आएगी मैं उन्हें बताऊंगी कि आपने मुझे धक्का देकर गिराया है। मुन्नी, तुझे ठीक तरह से उड़ना नहीं आता, इसीलिए तू गिर गई, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भैया, आप हमेशा क्यों मुझे चिढ़ाते रहते हो? देखिए, मुझे चोट भी लग गई है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। क्या तुम भी अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने आई हो चिड़िया? हाँ बुलबुल बहन, बच्चों के लिए भोजन ढूंढने आई थी और मुझे फल मिल भी गए। मेरे दोनों बच्चों के लिए जब भी मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ तो वहाँ मेरे बच्चे लड़ाई करने लग जाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ने लग जाते हैं, शैतान कहीं के। मैं तो भगवान को हमेशा कोसती रहती हूँ कि मुझे सिर्फ एक अंडा क्यों नहीं दिया आपने। बेचारे मेरे दोनों बच्चे सोने से पहले मेरे हाथों से रोज मार खाते हैं, जब तक मार नहीं खाते उन्हें नींद ही नहीं आती। जब मैं मार कर सोती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है चिड़िया। आप बच्चों को मारे बिना भी तो समझा सकती है ना बुलबुल बहन, बच्चों को प्यार की भाषा बहुत जल्दी समझ आती है। आप अपने बच्चों से प्यार से पिशाइए और उन्हें प्यार से समझाइए कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई ना करें। सच कहूँ तो बुलबुल बहन, मेरे दोनों बच्चे भी बहुत लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, मगर मैं उन्हें हर रोज प्यार से समझाती हूँ, वो एक ना एक दिन मेरी बात समझ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा बुलबुल बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा, भैया ने मुझे गिरा दिया, वो भी जानबूझकर। भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं ठीक तरह से उड़ नहीं सकती। और ये देखिए मम्मा, मेरे पैरों में चोट भी लगी है और खून भी आ रहा है। मुन्ना,
किया बेटा? देखो तुम्हारी बहन रो रही है। कभी भी बहनों को रुलाना नहीं चाहिए। मुन्नी बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें मलहम पट्टी लगा देती हूँ। रानी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी को मरहम पट्टी लगा देती है। फिर वो तीनों मिलकर भोजन करने लग जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। मुन्नी मुन्ना और रानी चिड़िया सो जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। रानी चिड़िया अपने बच्चों से कहने लगती है, देखो बच्चों सुबह हो गई है और मुझे आप दोनों के लिए पानी लाने जाना है। आप में से किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं आप दोनों को अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। ना उस कमरे में रोशनी होगी ना आपको कोई खाना मिलेगा। इसीलिए कोई शरारत मत करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मुन्ना तुम बड़े हो इसीलिए कह रही हो कि कोई शरारत मत करना, ना ही अपनी बहन से झगड़ा करना। जी मम्मा। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुन्नी एक गुब्बारा लेकर खेल रही होती है। मुन्नी एक गुब्बारा मेरा है, तुम्हारा गुब्बारा तुमने फोड़ दिया था, लाओ मेरा गुब्बारा। नहीं भैया ये मेरा गुब्बारा है, ये मम्मा ने मुझे दिया था। नहीं मुन्नी ये गुब्बारा मेरा है। नहीं भैया ये गुब्बारा मेरा है। इस तरह से मुन्ना और मुन्नी बहस करने लग जाते हैं। गुस्से में आकर मुन्ना गुब्बारे को खिड़की के बाहर छोड़ देता है। मेरा गुब्बारा आपने फेंक दिया। भैया आप बहुत गंदे हो, हर वक्त अपनी बहन से लड़ाई करते रहते हो। मैं मेरा गुब्बारा लाने जा रही हूँ। मुन्नी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। मुन्नी बेचारी मुन्नी मुन्ना की कोई बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। वो रहा मेरा गुब्बारा। फिर वो गुब्बारा पतलू नाम का कौवा उठा लेता है। एक कौवे ये मेरा गुब्बारा है, छोड़ दे उसे। मुन्नी की आवाज सुनकर वो छोटा कौवा गुब्बारा लेकर तेजी से उड़ जाता है। उस कौवे के पीछे पीछे मुन्नी भी उड़ने लग जाती है। आगे जाकर मुन्नी थक जाती है और उड़ नहीं पाती। वो सीधे जाकर एक कांटो वाले पेड़ में फंस जाती है। मुझे बचाइए मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी मुन्नी रोए जा रही थी, मगर मुन्नी के मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ रानी चिड़िया पानी लेकर अपने घर आ जाती है। मुन्ना बेटा मुन्नी कहाँ है? मम्मा मेरी वजह से मुन्नी खिड़की से बाहर चली गई। ना मैं उसके साथ लड़ाई करता, ना उसका गुब्बारा बाहर फेंकता, ना वो खिड़की से बाहर जाती। मम्मा मुन्नी को गए हुए बहुत देर हो गया, वो अभी तक घर नहीं आई। मेरी बच्ची मुन्नी न जाने कहाँ होगी। रो मत मुन्ना, मैं मुन्नी को ढूंढ कर ले आऊंगी। आप यहीं पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया उड़ते उड़ते तोती के पास जाती है। तोती बहन क्या आपने मेरी छोटी सी बच्ची मुन्नी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? नहीं चिड़िया, मैं तो बहुत देर से यही बाहर ही बैठी हुई हूँ, मैंने तेरे बच्ची को यहाँ पर देखा नहीं है। चिड़िया एक बार नदी के पास जाकर भी देख ले, वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, शायद वहाँ होगी तेरी बेटी। फिर रानी चिड़िया तोती की बात मानकर नदी के पास जाती है।
वहाँ पर सब छोटे बच्चे मुन्नी का गुब्बारा लेकर खेल रहे होते हैं। बच्चों, ये गुब्बारा तुम्हें कहाँ से मिला? आंटी, ये गुब्बारा मेरा है। नहीं बेटा, ये गुब्बारा मेरी बेटी का है। मैं ये गुब्बारा तुमसे नहीं छीनूंगी। बस तुम मुझे बता दो कि ये गुब्बारा तुम्हें कहाँ से मिला था। क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? आंटी, आपकी बेटी ये गुब्बारा लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया था। लेकिन आपकी बेटी मुझे ढूंढते ढूंढते उस दिशा में चली गई। पतलू की बातें सुनकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मुन्नी, तुम कहाँ हो बच्ची? आपकी मम्मा आई है आपको ले जाने के लिए। इस तरह से बोलते बोलते रानी चिड़िया उड़ने लग जाती है। रानी चिड़िया की आवाज मुन्नी तक पहुँच जाती है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कांटों के पेड़ में फंस गई हूँ। मम्मा, मुझे यहाँ से निकालिए। मुन्नी की आवाज़ सुनकर रानी चिड़िया मुन्नी के पास पहुँच जाती है। रो मत मुन्नी बेटा, मैं आ गई हूँ आपको यहाँ से निकालने के लिए। फिर रानी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से निकाल लेती है। इस भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने मेरा गुब्बारा खिड़की के बाहर फेंक दिया और मैं घर से बाहर चली गई और यहाँ बस गई। रो मत मुन्नी, रो मत। अब चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपनी बेटी को घर ले आती है। अपनी बहन को चोट लगे देखकर मुन्ना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, ना ही तुमसे झगड़ा करूँगा। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो मुन्नी। आपके आंखों में आंसू देखकर मुझे भी आंसू आ रहे हैं भैया। मैंने आपको माफ किया, आप मत रोइए, रोना बंद कीजिए। और वे दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं।